रूट बी प्लस रूट क्यू को ए बटा बी गुणा के रूप में लिखेंगे, बी का मान कभी भी जीरो नहीं आएगा। दोनों का वर्ग करने पर रूट बी प्लस रूट क्यू का वर्ग करने पर बराबर में ए स्केयर बी की स्केयर, दोनों का वर्ग करने पर यहाँ सूत्र लग जाएगा ए प्लस में बी की होल स्केयर का सूत्र, ए की स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी की स्केयर। सबसे पहले ए हमारे पास ये और बी हमारे पास ये हो जाएगा। सबसे पहले रूट बी की स्केयर प्लस दो ए अपने पास रूट बी और बी हमारे पास रूट क्यू प्लस में रूट क्यू की स्केयर। सही करेंगे इसे तो ये पूरा बी बन जाएगा, ये दो रूट बी और रूट क्यू प्लस यहाँ ये पूरा क्यू बन जाएगा बराबर में ए की स्केयर और बी की स्केयर का सूत्र लगेगा। जो रूट की संख्या वो यहाँ रह जाएगी पी और रूट क्यू बराबर में बाकी दूसरे साइड में चली जाएगी ए की स्केयर बी की स्केयर, ये प्लस की यहाँ जाके माइनस में, ये प्लस की यहाँ जाके माइनस के अंदर। फिर दो को भी हम यहाँ ले जाएंगे रूट पी रूट क्यू, ये क्या कर देगा इसे हाफ कर देगा। तो ए की स्केयर बी की स्केयर माइनस पी और माइनस क्यू हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ए बी का पूर्णांक है तो पूर्णांक हमारा इस साइड वाला रहेगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ए की स्केयर बी की स्केयर पी और क्यू बटा में हम लगा देंगे एक बटा में दो। यहाँ हमारा जो रूट की संख्या इस तरफ है उसे यहाँ लिख देंगे रूट क्यू और वही संख्या एक बार फिर यहाँ आ जाएगी, हमें सिद्ध जो करना था उसे यहाँ लिख देंगे क्योंकि यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है क्योंकि यहाँ रूट दिया हुआ है। तो शुरू का हमारा क्वेश्चन ये क्या था, जो कल्पना हमने की थी वो गलत है और ये एक अभिन्न संख्या है।